हेलो बच्चों, मैं सोनू जांगे नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी। कक्षा 7 का पाठ है 18। हिंदी जन की बोली है, तो चलिए हम पाठ 18 शुरू करते हैं। हिंदी जन की बोली है, ये कविता है और ये कविता गीजा कुमार माथुर जी ने लिखी है। तो सबसे पहले हम इनका कवि परिचय हम पढ़ेंगे। इनका कवि परिचय स्टार्ट करते हैं। श्री गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त सन 1919 को मध्य प्रदेश के अशोक नगर कस्बे में हुआ था। श्री माथुर सहज ही प्रकृति प्रेम, मानवीय संवेदना तथा देश की भावना को अपनी रचनाओं में पिरो देते थे। मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंबे अरसे तक ये आकाशवाणी से जुड़े रहे। अपनी रचनाओं से समाज को दिशा देने वाले साहित्य के इस सितारे का 10 जनवरी सन 1994 को नई दिल्ली में निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शीला पंख, चमकीले, मंजीर, मंदार, नाश और निर्माण, धूप के धान, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा और छाया मत छूना मन। तो ये सब इनकी रचनाएं थी। अब हम इनकी कविता स्टार्ट करते हैं। एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। इस कविता में कवि ने हिंदी को सर्वोपरि स्थान दिया है। कविता के माध्यम से कवि ये बता रहा है कि हिंदी भाषा जो है वह सबसे शक्तिशाली भाषा है, शक्तिमान भाषा है, जो सभी को एक डोर में बांधती है और सभी भाषाओं को अपनी सगी बहन की तरह मानती है। भरी पूरी हो सभी बोलियाँ, यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है। हिंदी भाषा की ये इच्छा है कि सभी बोलियाँ भरी पूरी हो और सबकी अलग अलग अपनी पहचान हो, यही उसकी साधना भी है। हिंदी भाषा जो है वो चाहती है कि उसकी देश में विदेशी भाषा जो है उसकी सौत न रहे, बल्कि हिंदी भाषा सबकी प्रिय है। तत्सम तद्भव देश विदेशी, सब रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर वह मन भाती, नए अर्थ के रूप धारती, हर प्रदेश की माटी पर खाली पीली बॉम मारती, बंबई की चौपाटी पर है। अब इस पंक्तियों का भावार्थ है कि तत्सम तद्भव देश विदेशी, सभी भाषाओं को वह अपनाकर अपनी सगी बहन की तरह मानती है। जिस भाषा को बोलना चाहते हैं या जिस भाषा को आप बोलते हैं उससे ही वह मधुर या मीठी बनकर सभी को मन भाती है। सबको यह हिंदी भाषा अच्छी लगती है। नए नए अर्थ में यह अपना रूप धारण करती है। हर प्रदेश की भूमि पर अपनी नए नए रूप धारण करती है। कवि कहता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी प्रिय भाषा तो अंग्रेजी होती है, परंतु पूरे विश्व जन की जो बोली है वो हिंदी है। मतलब कि हिंदी भाषा से सभी प्यार करते हैं। चौरंगी से चली नवेली, प्रीति प्यासी हिंदी है। बहुत बहुत तुम हमको लगती, भालो बाशी हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, हिंदी जन की बोली है। वर्ग भेद को खत्म करेगी, हिंदी वह हमजोली है। इसमें कवि कहता है कि चार रंगों से नई नवेली बनकर चलने वाली प्रेम की प्यासी भाषा जो है वह हिंदी है। सभी लोगों के मन को हिंदी भाषा प्रिय लगती है। जो उच्च उच्च लोगों के जो वर्ग है
उनकी भाषा तो अंग्रेजी होती है, लेकिन जो विश्व जन है उनकी प्रिय भाषा तो हिंदी है। हिंदी भाषा जो है वह वर्ग भेद को ख़त्म करती है। यह है वह भाषा है जो सबकी हमजोली है, सबको प्यारी है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरा पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। अब इसमें कहता है कवि कि सबकी सागर में जो धाराएं मिलती है वैसे ही हिंदी भी सबकी संगम है, यानी कि शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा है, एक अनुपम है, यानी कि जिसकी उपमा नहीं की जा सके। अनुपम यानी जिसकी उपमा नहीं की जा सके। यह एक अनूठी भाषा हिंदी है। गंगा कावेरी की धारा जैसे मिलती है वैसे ही हिंदी भाषा भी सभी में मिलनसार है। पूरा पश्चिम पंखुरियों में सेतु यानी कि पुल बनाती हिंदी है। हिंदी भाषा सबकी प्रिय है, इसको सभी बोलते हैं, सभी को ये प्यारी है। इसलिए ये कविता में हिंदी भाषा ये बहुत ही अच्छी कविता है। ये हिंदी भाषा जो है वो सबकी मिलनसार है, सभी इसको। उच्च वर्ग के लोगों को तो इंग्लिश प्यारी होती है, लेकिन जो निम्न वर्ग के और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं यह सब में वो हिंदी भाषा सब में बोली जाती है, ये सबकी प्रिय है। अब इसके हम शब्द बोध देखते हैं। कामना यानी कि अभिलाषा, मधुर यानी मीठी, संगम मिलन स्थल, साधना यानी अर्चना, अनुपम यानी अनूठा, सेतु यानी कि पुल, प्रीति प्यासी यानी कि प्रेम की प्यासी। अब आगे हम इसकी व्याकरण देखते हैं। नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पे सागर है तो सागर का पर्यायवाची होगा समुद्र और जलधि। नदी, नदी का पर्यायवाची होगा सरिता तटिनी। अनुपम, अनुपम का होगा अनूठा अनोखा। कामना का होगा इच्छा चाह है, ये इसके पर्यायवाची है। आगे हम देखते हैं नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि जो सबको एक समान देखता हो यानी कि समदर्शी, जिसकी उपमा न दी जा सके यानी कि निरुपम, जो पानी में रहता हो जलचर, चार रंगों से युक्त चौरंगी, भगवान को मानने वाला आस्तिक, ये सब इसके एक शब्द में उत्तर हैं। अब आपको ये हिंदी की कविता पसंद आई होगी। अब हम आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।